नमस्कार, मी स्वप्नील सूर्यवंशी। झूम ऑन न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आता पाहूया दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या। पुण्यातून ज्या प्रकारे अंमली पदार्थ सेवनाचे व्हिडिओ सध्या समोर येत आहेत ते दुर्दैवी तसेच चिंताजनकही आहे। संस्कृती आणि शिक्षणासाठी ओळखलं जाणारं आपलं पुणे आता अंमली पदार्थांचं अड्डे का बनत आहे? कुठे आहेत गृहमंत्री, उत्पादन शुल्क मंत्री आणि पुणे पोलीस, तसेच कायद्याचा धाक आता का संपतोय? जबाबदारी घ्यायला कोणी तयारच नाहीये असे गंभीर आरोप आनंद दुबे यांनी विद्यमान सरकार आणि पुणे पोलीस तसेच विविध सरकारी यंत्रणांवर केले आहेत। जिस प्रकार पुणे से ड्रग्स पीने के वीडियो या ड्रग्स सेवन करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक भी है। हमारा पुणे पहले ऐसा तो नहीं था। पुणे को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, पुणे को एजुकेशन हब कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ड्रग्स माफियों का अड्डा बनते जा रहा है, शराब तस्करों का एक प्रकार से अड्डा बनते जा रहा है और सरकार में बैठे लोग इसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। एक्साइज मिनिस्टर शंभुराज देसाई जी कह रहे हैं कि हमने पुणे को ड्रग्स मुक्त करा दिया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहां दिख रही है कार्रवाई? रात रात भर वहां पब्स चल रहे हैं, वहां पर युवा कम उम्र होने के बावजूद भी अगर वहां पर मादक पदार्थों का सेवन करते पाए जा रहे हैं, उनके वीडियोज फुटेज सीसीटीवी फुटेज वीडियोज धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, तो क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस कमिश्नर जी कहते हैं कि हम बहुत मुस्तैद हैं, हमने बहुत कार्रवाई कर दी है, लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, अब विश्वास जनता का धीरे धीरे पुलिस से भी उठता जा रहा है और मंत्री महोदय और गृह मंत्री का तो क्या कहना, वो तो पार्टियों को तोड़ने और मरोड़ने में व्यस्त रहते हैं। हम अभी भी आपसे कहते हैं कि हमारे पुणे को बचा लीजिए। पुणे एक विरासत है, पुणे एक सांस्कृतिक और सभ्यता का परिचायक है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ महीनों में पुणे में ये जो केसेस आ रहे हैं, कोई गाड़ी चला के किसी को मार दे रहा है, कोई ड्रग्स का सेवन करते हुए वीडियो बना रहा है, कोई शराब पीते हुए दिख रहा है, कोई नियम कानून है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कौन जवाबदेही लेगा?